एवरीवन एंड वेलकम टू माय चैनल। और आज के इस वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ लैक्मे सीसी क्रीम का मेकअप ट्यूटोरियल। और ये जो वीडियो है वो एक रिक्वेस्टेड वीडियो है कि मुझे क्या नाम था उनका, सच में याद नहीं आ रहा है। हाँ, पल्लवी जोशी ने मुझे कहा था कि आप सीसी क्रीम का रिव्यू भी दे दीजिएगा और मेकअप ट्यूटोरियल भी कीजिएगा, तो उन्होंने रिक्वेस्ट किया था, तो इस वजह से मैं ये वीडियो बना रही हूँ। और अभी जस्ट मैंने लास्ट वीक में इसे परचेस किया था सीसी क्रीम को। इससे पहले मैं यूज़ करती थी बीबी क्रीम यूज़ करती थी, तो उन्होंने मुझे बोला था कि आप प्लीज़ एक बार ट्राई तो कीजिएगा और हमें भी बताइएगा कि इसके रिव्यू रिज़ल्ट कैसा है। तो ये बहुत ही रिक्वेस्टेड वीडियो है। और गणेश जो है वो मेरे साथ है। गणेश हाय करो, हाय करो, हाय। और स्कूल नहीं गया है ना बच्चा? अच्छा ठीक है, जाओ। अच्छा दिखाना है आपको? हाँ आप बताओ, नोज कहाँ पे? नोज बताओ। यस। आईज कहाँ पे आपकी? अच्छा ऐसे ऐसे यहाँ पे आईज। और ईयर कहाँ पे? ईयर, 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 हाँ ईयर। टीथ कहाँ पे आपके? टीथ, राइट। थैंक यू बच्चा। अच्छा बच्चा, तो चलिए मैं भटकना जाऊँ बच्चों के साथ, जो मेन टॉपिक है वो स्टार्ट करती हूँ। तो ये है लैक्मे 925 का सीसी क्रीम, यानी कि इसको बोलती है कॉम्प्लेक्शन केयर क्रीम। और ये जो क्रीम होता है आप डेली यूज़ के लिए भी यूज़ कर सकते हो। अगर आपको फाउंडेशन वगैरह पसंद नहीं है तो आप इसे यूज़ कर सकते हो एवरीडे के लिए, एवरीडे मेकअप के लिए। और मेरा जो शेड है वो है ब्रॉन्ज शेड। और इस यहाँ पे लिखा है उन्होंने ऑल इन वन इंस्टेंट स्किन स्टाइलिश SPF 30 PA++++। और ये जो पैकेज है वो है 9 ग्राम का और इसकी जो प्राइस है वो है 120 रुपीज़। और इसमें और एक बड़ा पैक मिलता है वो है 30 ग्राम का और उसकी जो प्राइस है वो है मतलब अगर आप लोकल मार्केट से परचेज करने के लिए जाओगे तो मुझे लगता है 300 रुपीज़ में मिलेगा, बट आप ऑनलाइन परचेज करने के लिए जाओगे तो 254। फिर उसके बाद हर एक ऑनलाइन पे मतलब हर एक वेबसाइट पे अलग अलग प्राइस मिलेगी। अमेजोन पे शायद 254 में मिलेगा आपको। और इसमें आपको चार शेड मिलते हैं, एक ब्रॉन्ज है। दो मिनट में आपको मतलब मेरे पास मोबाइल में मैंने सेव कर लिया है क्योंकि मुझे इस पर उन्होंने लिखा नहीं है शेड कितने हैं, बट मैंने सेव करके रखा है। ओके इसमें आपको चार शेड मिलते हैं। अगर आपको राइट शेड चूज़ करना है तो बीच शेड होता है वो है फॉर वेरी फेयर टू फेयर स्किन टोन के लिए। दूसरा होता है हनी है जो फॉर फेयर टू व्हाइटिश स्किन टोन के लिए है। तीसरा जो है ब्रॉन्ज जो कि मेरा है ये व्हाइटिश और डस्की स्किन टोन के लिए है। और तीसरा जो है वो आलमंड है फॉर डस्की स्किन टोन के लिए है। तो मैं जहाँ पे परचेस करने के लिए गई थी तो उनके पास एक ही शेड था और वो था ये ब्रॉन्ज शेड। और जब भी मैं कुछ बीबी क्रीम सीसी क्रीम लेती हूँ तो मैं छोटू सा पैकेट लेती हूँ क्योंकि आपको समझ में नहीं आता है कि आप कौन सा राइट चूज़ करें। जब भी आप यूट्यूब पे देखोगे तो आपको वीडियो मिल जाते हैं, बट मैंने ये जब लिया था तब मैंने यूट्यूब पे वीडियो भी नहीं देखे थे और मैं ऐसे ही लेने के लिए गई थी तो मैंने यही पिकअप कर लिया। तो इस वजह से आप मिसगाइड ना हो जाए, तो इस वजह से मैंने आपको सारे शेड जो है वो बता दिए ताकि आप एक राइट शेड चूज़ करें। तो चलिए अभी इसे ओपन करते हैं। और इसका पैकेजिंग जो है वो मुझे बहुत अच्छा लगा, जैसे कि आप देख सकते हैं पिंक कलर है। पिंक कलर जो होता है हम लेडीज़ का बहुत फेवरेट कलर होता है। और सीसी क्रीम जो है अंदर वो कुछ इस तरह से दिखती है, मतलब क्रीम का पैकेजिंग जो है वो कुछ इस तरह से दिखता है। तो मेकअप करने से पहले, तो सबसे पहले मैं मेकअप करने वाली हूँ और सबसे पहले मैं अपना फेस जो है वो क्लीन करने वाली हूँ रोज़ वाटर से। और इससे पहले मैंने फेस जो है वो क्लीन कर लिया है फेस वॉश से। दो मिनट में क्लीन करती हूँ। और सीसी क्रीम और बीबी क्रीम जो होते हैं आप डेली यूज़ के लिए, डेली मेकअप के लिए यूज़ कर सकते हो। अगर आप पार्टी में जा रहे हो तभी जस्ट बीबी क्रीम सीसी क्रीम अप्लाई कर सकते हो। मैंने बहुत सारे बीबी क्रीम यूज़ किए बट सीसी क्रीम मैंने यूज़ नहीं किया था। और रिक्वेस्ट भी आई थी कि आप मतलब सीसी क्रीम का ट्यूटोरियल दिखाओ, तो मुझे लगा चलिए ये भी कर लेते हैं और वीडियो भी बन जाएगा और आप लोगों को थोड़ी बहुत इन्फॉर्मेशन भी मिल जाएगी। रोज़ वाटर से मैंने फेस जो है वो क्लीन कर लिया है। नेक रह गया, मैं हमेशा नेक मतलब छोड़ देती हूँ नेक का पार्ट। और मेरी मम्मी जब वीडियो देखती है तो मुझे बोलती रहती है कि आप ये भूल गए,
नेक पे मेकअप करना, और आप में से लोग भी बोलते हैं, तो इसे सुखा दे। नेक्स्ट मैं अप्लाई करने वाली हूँ सिट्रा का ये फेस क्रीम, तो मैं इसमें आपको दिखाती हूँ सिट्रा का ये फेस क्रीम। फिर उसके बाद मैं सीसी क्रीम अप्लाई करने वाली हूँ, ये मैं अपने फिंगर से अप्लाई करने वाली हूँ पूरे फेस पे। और नेक पे भी अप्लाई कीजिएगा, क्योंकि मैं भूल जाती हूँ हमेशा, डॉट डॉट में लगाना चाहिए। तो जैसे कि आप देख सकते हैं, मैंने सीसी क्रीम अप्लाई कर लिया है, और मुझे बहुत ज़्यादा डार्क सर्कल नहीं है, तो इस वजह से मैंने कंसीलर नहीं अप्लाई किया है। अगर आप चाहें, अगर आपको डार्क सर्कल की प्रॉब्लम है, तो आप कंसीलर हल्का सा अप्लाई कर सकते हो। और आपको मैं एक बता दूँ, यहाँ पे जैसे कि आप देख सकते हैं, मुझे थोड़ा सा इस एरिया पे बहुत सारे पिंपल्स है, तो ये पूरा का पूरा हाइड नहीं होता है, एकदम थोड़ा सा कम दिखता है। तो अगर आप चाहते हो, अगर आप किसी अच्छे पार्टी के लिए जा रहे हो, तो आप इस पे कंसीलर अप्लाई करके इसको हाइड भी कर सकते हो, अगर आपको डार्क सर्कल और पिंपल्स की प्रॉब्लम है। बट मैं ऐसा नहीं करूँगी, मैं जस्ट सीसी क्रीम से मेकअप ट्यूटोरियल करने वाली हूँ, जिस वजह से मैं फाउंडेशन वगैरह नहीं अप्लाई करूँगी। और थोड़ा इतना ज़्यादा नहीं है मुझे डार्क सर्कल, तो मैं वो भी कंसीलर भी नहीं अप्लाई करने वाली हूँ। नेक्स्ट मैं अप्लाई करने वाली हूँ मेबलिंग की कॉम्पैक्ट पाउडर, और मेरा जो शेड है वो है पर्ल शेड, जो मैंने आपको लास्ट टाइम बताया था कि मुझे मेबलिंग की कॉम्पैक्ट पाउडर भी बहुत अच्छी लगती है, तो मैं इसे अप्लाई करने वाली हूँ। नेक्स्ट अभी मैं आई शेडो अप्लाई करने वाली हूँ, और ये बहुत ही सस्ता आई शेडो है, ये मैंने लोकल मार्केट से परचेस किया है, और इसकी जो प्राइस है वो जस्ट 90 रुपीज़ है। तो अभी मैं आई शेडो जो है वो अपने आईबॉल पे अप्लाई करने वाली हूँ, और यहाँ पे मैं ये वाला कलर चूज़ कर रही हूँ। नेक्स्ट उसके बाद मैं मस्कारा अप्लाई करने वाली हूँ। नेक्स्ट है ये मेरे पास ब्लू हेवन का स्केच आईलाइनर। मेरे पास एक लिक्विड का ब्लू हेवन का आईलाइनर भी है, वो भी है, तो मैं उसको नेक्स्ट वीडियो में दिखाऊंगी।
तो आईलाइनर मैंने अप्लाई कर लिया है, उसके बाद मैं आईब्रो को अपने फिल करने वाली हूँ आई शेडो पैलेट से। तो ये स्वामी श्री गणेश यहाँ पे है। बच्चा शोर मत करो, थोड़ा सा शोर मत करो। इसमें से मैं ब्लैक कलर लेने वाली हूँ और अपने आईब्रोज को इसे डिफाइन, इस ब्रश से डिफाइन करने वाली हूँ। उसके बाद और नेक्स्ट मैं अप्लाई करने वाली हूँ लिपस्टिक। ये है, दो मिनट में आपको दिखाना ही भूलिए, ये है ब्लू हेवन की लिपस्टिक, मैट लिपस्टिक है और इसका जो शेड है वो है 10। और ये लिपस्टिक मुझे बहुत ही ज़्यादा पसंद है और गर्मी के दिनों में जैसे ये पिघल रही है। और उसके बाद मैं लिप लाइनर अप्लाई करने वाली हूँ। और ये था मेरा लैक्मे सीसी क्रीम का मेकअप ट्यूटोरियल। और थोड़ा सा स्वामी श्री गणेश ने परेशान किया था, थोड़ा सा आवाज़ वगैरह आया होगा, तो प्लीज़ सो सॉरी। और अब सभी को पता है, सब्सक्राइब करना है, लाइक करना है, शेयर करना है और कमेंट करना है। और अभी गणेश्री यहाँ पे आके आपको लाइक करने के लिए बोलने वाली है। बच्चा स्वामी श्री थोड़ी सी अंदर गए बेडरूम में, तो इस वजह से वो यहाँ पे नहीं। मैम आ गए क्या? स्वामी श्री लाइक करना है, आ जाओ आ जाओ, आप ही रह गए थे। अच्छा स्वामी श्री को भी लाइक करना है। अच्छा थैंक यू। तो मुझे लगता है ये जो वीडियो है आपके लिए बहुत हेल्पफुल रहा होगा। और मैं मिलती हूँ मेरे नेक्स्ट वीडियो में। बाय।